लोग बोलते हैं कमबैक किंग्स माने जाते हैं, लेकिन डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा है. सो विल स्टिल हैव टू सी यू नो कितने फिनिशेस निकाल जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है फिनिशेस करने के चक्कर में भी गलतियां होती हैं टीम्स. इनफैक्ट कल के दिन का आखिरी मैच अगर आपको याद हो, टीम्स को क्वालिफाई करना था तो उसके अंदर खराब डिसीजन टीम्स ने लिए जरूर थे, लेकिन आज का दिन आखिरी मैच, फाइनल्स, MVP ट्रॉफी, चैंपियनशिप ट्रॉफी, हर एक चीज इट्स ऑन द लाइन. You know, एक बात फिर से दर्शकों को दिला दूं, एक मैच चाहिए था कल गॉडलाइक को क्वालिफाई करने के लिए, उस गेम में उन्होंने चिकन डिनर ले लिया था. बट यहाँ पे सिर्फ चिकन डिनर लेने से नहीं होगा, अगर इनको जीतना है तो इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि टीम एनिग्मा और टीम स्काईलाइट्स दोनों को अर्ली एग्जिट दिलाना है. सो lot of things going on in their heads, and of course chicken dinner lena chahenge. In terms of jab overall standings dekh rahe the, godlike and players ke 30 finishes the, which is still the highest in lobby along with skylets gaming, right? And the team xpark not far behind 28 finishes ke sath. And gale I think ek alag hi level pe aaj khel rahe hain, jis tarike se you know team xpark ka pradarshan raha hai, jis tarike se you know ye bhar sambhal rahe hain is team ka. But you know ye sari team jo top 5 mein hai, they will have to push past their limits, kyunki जो विनर रहेगा तो विनर टेक्स इट ऑल, राइट? सेकंड प्लेस के लिए कोई जगह नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर. एंड ऑफ कोर्स द बिटकॉइंस दे गोना एंजॉय इट. अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, इट्स इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट. एंड ऑल ऑफ यू आउट देयर, वी नो वी नो यू आर नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एट द एंड ऑफ द डे. बट चलिए थोड़ी ही देर में मेरे फाइनेंसेस तो आपको पता ही है, कोई एडवाइस कर भी नहीं पाएगा जैसे मेरे फाइनेंसेस चलते हैं. आई अंडरस्टैंड. नो, एक लड़कियां होती हैं वो काफी मूडी रहते हैं, एंड देन नो ओशन होते हैं, थोड़ा सा भी इनका यू नो अच्छा लग जाता है. जेलस साथ भी बोलेगा ही. खैर कोई बात नहीं, आपको दे दूंगा थोड़े से, आपको थोड़े से, आपको मैं थोड़े से BTC दे दूंगा. बिटकॉइन के लिए कुछ भी यार, बिटकॉइन के लिए आई कैन. देखिए उसके लिए उसके देखे देखा दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से आदमी को बदला जा सकता है, किस तरीके से यहाँ पर हम लोग लोगों को खरीद रहे हैं. ये बहुत सारे लोग पीठ पीछे जरूर करते हैं, लेकिन हम सामने दिखा रहे हैं कैसे लोगों को खरीदा जाता है. देखिए आई मीन किस तरीके से यहाँ पे ओशन ये सब सारे स्टेटमेंट्स बता रहे हैं. बट या बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा लालच तो हो जाता है दिल के अंदर, क्योंकि सो बट मॉरल ऑफ द एंटायर रेड बुल एमईओ फिक्सेस लालची है. अब हम थोड़ी देर में मैच में जरूर जाएंगे. लालची पूरी दुनिया है, लालची पूरी दुनिया है, ये तो सही ना सभी को पता है. ये तो खैर काफी आपने बड़ी बात कर दिया यहाँ पे, काफी इसके बाद यू नो ये चीजें इतनी ज्यादा संगीन हो जाने वाली है आपको, या फिर चिल्लाते चिल्लाते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, क्योंकि यही बातें बाद में याद आएंगी. क्या हॉस्पिटल में जब पहुंचे थे उसकी बातें यहाँ ना करी जाए तो बेहतरीन रहेगा. 15 टीमें हैं फिक्सेस, शुरुआत 15 टीमें. ओह, एलाइट इज नॉट देयर इन द लॉबी, एलाइट इज आउट. आई थिंक उनको कहीं ना कहीं पता चल गया कि उनका थोड़ा यू नो टामाडोल होने वाला है, या फिर कुछ इंटरनेट इश्यूज हुए होंगे. बट राइट नाउ ओशन दिस फ्लाइट पार्ट ट्रैजेक्टरी, कैन दिस बी अ सर्दर? देखिए आप जितनी बार आप सोचते हैं कि हो जाए, लेकिन देखिए अगर सदन वन हो गई तो उसमें VLT को फायदा जरूर होगा. हाँ, मे भी उतने ज्यादा फिनिशेस ना पाए जितने कि हम यू नो कहीं ना कहीं बोले कि वो फर्स्ट पोजिशन पर आए, लेकिन फायदा ये होगा कि वो होल्ड कर सकते हैं अपने एरिया. वेल दैट्स स्टिल अ कन्वर्सेशन टू बी डन इफ इट हैपेंस ऑर नॉट. रैमगन के प्लेयर्स उतरना शुरू कर चुके हैं, एंड टीम फॉरएवर वापस से अपनी ही यू नो जो ड्रॉप रहता है उस पर जाएंगे जरूर. फ्लाइट पर बहुत सारी टीम, आई वुड से एक्चुअली almost every team is going to their drop location. This is a good flight path actually for a final game. Yeah, definitely. And agar is game mein you know Skylights Gaming ke players apne aap ko hold off kar lete, if not a chicken dinner, ek you know acha position finish le pata, I'm pretty sure aaj I exactly know which boot camp to crash at, right? Dal chawal ke saath main le chalunga dal chawal ke saath you get some chicken. But again the zone start fir se ek similar hybrid circle looks very simple. It's so complicated. This might just be Team Xpark's game as well. Just सोचिए, क्योंकि उनको zone के अंदर जाना होता है, but इस बार zone उनके ऊपर आया है, and यहीं पर अगर आप Team Xpark के players को देखें, Scout, he is going outside the ruins area, like around the ruins area though, but still a bit outside the ruins area. Gil उनसे थोड़ा सा दूर है, अगर हम बात करें Mavi की, वो उनसे थोड़ा सा दूर है, and then there's one more player, Ultron.
जो पीछे उतरे आई एम प्रीटी श्योर गाड़ी लेकर के अपने टीममेट्स के पास आना चाहेंगे एंड दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जब तक जोन नहीं बना था ये कॉल रही होगी कि पहली गाड़ियां रख लेते अपने पास ताकि मूव करना पड़े। अब बैक वी आर बैक, दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग फकिंग गेम, आई एम वेरी एक्साइटेड। गाइस अगर वो वाली टीम जीती वो वाली तो आज अपन कुछ करेंगे कि वो कौन फोन कर रहा है भाई। ये काफी एक अच्छा इंप्रूवमेंट हमने उनके तरफ से देखे इन टर्म्स ऑफ हाउ दे हैव इंप्रूव्ड ओवर टाइम एटलीस्ट इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द सेमी फाइनल्स थोड़े से डामाडोल नजर आ रहे थे बट दे हैव रिकवर्ड सो वेरी वेल। Definitely have. एक बार फिर से देवियों सचनो आप लोग नजर डाल सकते हैं सर्कल पे, सेल्सियस के प्लेयर्स है जोन में, बात करें राइवलरी के प्लेयर्स है, एनिग्मा के प्लेयर्स जोन से थोड़ा सा बाहर है लेकिन इनको लास्ट गेम में भी हमने यू नो लिपोवका से मिल्टा पास लाइक इधर उधर आते जाते देखा जरूर था। इनसेन के प्लेयर्स शेल्टर के एरियाज के अराउंड नजर आएंगे, दे हैव अ गुड एरिया फॉर देमसेल्व्स। बट देन तो फोन कर रहे हैं बार बार एक सेकंड स्काईलाइट्स टीम एक्सपा, ये तीन टीमें बहुत अच्छी एरिया पर हैं। अल्ट्रॉन देखिए एक समय पर जो पोचिंग के पीछे थे इस बार ऊपर के एरिया पर जा चुके हैं। आई थिंक कंसीडरिंग ये एक सर्कल बन रहा है, आई मीन आपने टीम एक्स बार की बात करी है, देखिए स्काईलाइट्स गेमिंग को ही देख लीजिए, ये काफी अच्छे पोजीशन पे एंड कॉफी दिखाओ होल्ड ऑफ करते हैं एंड हिल्स का कंट्रोल भी लेके रखते हैं, इट कुड बी अ रियली गुड वन बट यू नो प्रेशर अबे गिरा दूंगा डर लग रहा है क्योंकि यू नो बहुत रेयरली ऐसे हुआ है कि जो टीमें यू नो टॉप पे रहती है वो आखिरी चिकन डिनर से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। राइट हमेशा कॉफी लेके आता हूं जो कि 13 या 14 या 15 भाई मैं दिन में 10 से 12 कप कॉफी पी जाता हूं वो जीत जाता है एंड ये चीज कॉफी की जरूरत है अपने हमेशा होता है। राइट सो कॉफी बहुत पीता हूं मैं, आई एम अ कॉफी लवर। यस द मोस्ट इंपोर्टेंट गेम, लेट्स गो। मैक्स पार्क ने फर्स्ट चिकन डिनर निकाला था बट दे कुड डू मोर देन दिस, यहां पे इन चार पांच टीमों को अच्छे खासे फिनिशर्स पे निकाला। एलीट क्यों नहीं ज्वाइन किया लॉबी, व्हाई वुड दे नॉट प्ले, क्योंकि काफी सारी टीम जो अभी हैं पता चल चुका है यार ऐसे चांसेस बहुत कम मिलते हैं नए टीम्स को, क्या करते हो क्यों नहीं खेल रहे पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल टीम्स की कोशिश ये रहेगी यू नो जस्ट गोइंग योलो अप्रोच जिसको हम बोलते होते हैं, नॉट एक्जैक्टली गोइंग आउट मे बी या मे बी यू नो जस्ट ट्राइंग टू गो विद एवरीथिंग दैट दे हैव, किसी फाइट में रुक गए तो उस जगह पर ही रुके रहेंगे, जस्ट यू नो गेट एवरीथिंग दैट दे हैव टू थ्रो अप एवरीथिंग दैट दे हैव मे बी नीड्स, किडनी जाएगा रे एवरीथिंग जस्ट कमिंग डाउन टू दैट एरिया, लीवर तो ऑलरेडी खत्म ही है किडनी का क्या करूंगा। फाइट में वीएलटी और टीम एक्सपाक के बीच में देखा था वो चाहे शुरुआती ही दौर था बट उसके अंदर भी दोनों टीमें अपना 100% देने के लिए दे वर जस्ट नो फोकस ऑन दैट फाइट कि वो बाकी जोन भूल गए थे। बट लेकिन अब बहुत सारी टीम्स के लिए ये कहीं ना कहीं जो सपना था दिन के एंड तक वो दूर जाते नजर आ रहा है, सो दे माइट जस्ट वांट टू गो विद दैट 100% एवरीथिंग दैट दे वुड वांट टू गिव फॉर देमसेल्व्स। ओ यस यू नो यहां पे आई थिंक इस पॉइंट पे 100% भी क्या, आई थिंक यू गॉट अ ब्रेक पास्ट राइट, आपको 110 120 गो 200% पुल ऑफ अ प्ले, गिव अस सम हाईलाइट रील्स इज व्हाट आई वुड से टू ऑल दीस टीम्स, क्योंकि सब में काबिलियत है सब में पोटेंशियल है। कुछ टीमें ऑफ कोर्स 19-20 का फर्क रह गया, आज उनका दिन नहीं था, संडे है बट यू नो एज द सेइंग गोज राइट some days you don't wake up in the right side at the right side at the right side of the so filhal team forever ke players fir se rotation ke dauran 8 bit ke players ke changulon mein aate hue but juicy he's being chased behind and savitar fir se koi galti ki gunjayish ne ek knock zarur nikala but at the same time jazzy ne yahan pe base ka trade nikala hai बिल्कुल, लेकिन फाइनल बॉस को देखिए गिर के वो नॉक हो चुके हैं 8 बिट के प्लेयर्स। दिस टाइम वो जो योलो स्ट्रैट बोल रहे थे वो जो प्रॉपर हम बात कर रहे थे कि नो दे विल गो ऑल इन, उसकी सीधी ही यहां पर पूरी कोशिश करी जा रही है लेकिन सुनामी आएंगे एंड विल टेक द प्लेयर्स डाउन। ऑलराइटी जस्ट ट्राइंग टू टेक द प्लेयर्स डाउन विद अ पंच एंड अ टू, राइट लेफ्ट जस्ट गोइंग फॉर द अपकट टू द फिनिश एंड एक और पंच वहां पर किया जा रहा है ऑन द ओपन फील्ड्स। वेल ये अब पर्सनल हो चुका है, दुखा दुखा इधर तक दुखा, दिस इज द फाइनल गेम, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। फ्रैंकी उनकी एचपी थोड़ी सी कम, इधर तक लगा वो पंच, फील हुआ वो पंच, पीछे की तरफ पे रह चुका है बट वो आगे की तरफ को जाना चाहते हैं। अब नेट यहां पर वो डिप के अंदर डालना चाहेंगे, ओवेस ऑफ फ्रैंकी दो प्लेयर्स बचे हुए एंड उन्हीं के ऊपर ही नेट जाएगा, इस पे नाम लिखा हो सकता है किसी का, वो डैमेज जरूर दिया है ओवेस को हल्का सा, टॉमसन करने की कोशिश लेकिन नेक्सस को डाउन किया जाएगा। फ्रैंकी नोस ही इज एंग्री, ही इज हंग्री बट ही इज लो ऑन एचपी, इसीलिए कहा जाता है जैजी भाई, जैजी भाई जाओ क्योंकि पास से पलट भी सकते हैं बट स्टिल मैं कहूंगा जैजी भैया बिट के पास काफी अच्छा पोजीशन है कंसीडरिंग जो स्प्रे, जैजी भैया बट नेक्सस का खात्मा यही होते हुए सुनामी के ऊपर जरूर प्रेशर अप्लाई करना चाहेंगे बट इट्स गोना बी अ लिटिल रिस्क जैजी भाई बिकॉज़ सुनामी डस ऑफ द टीपीपी फ्रैंकी आगे, ओ सुनामी इसी के साथ डस मैनेज टू गेट द नॉक, ओ नहीं आ पाया एंड स्टिल 8 बिट गेटिंग द फाइनल, इसको 1v2 बोलते हैं के साथ
इसको वन वी टू बोल रहे दे हैव कम इन टू जॉइन द पार्टी सुनामी यू नो खुशियां मना रहे थे एंड खुशियां मनाते मनाते यहां पे नॉक भी हो गए और लॉबी से टीम 8 बिट बाहर भी हो चुकी है दोस वेव्स वर हाई बट एक्सो शट द सुनामी डाउन काफी आराम से 8 बिट के प्लेयर्स को यहां पर वाइप डाउन किया एंड ऑब्वियसली वो तैयार नहीं थे इस फाइट के लिए वो फॉरएवर के लिए जरूर तैयार थे इट वेंट अ बिट पर्सनल थिंग्स गॉट हीटेड अप बट आफ्टर दैट दे वर शट डाउन अब अगर बात करें दो टीम्स ऑलरेडी टेक डाउन हो चुके ये आखिरी गेम का मसाला है फिक्सर्स जो हमेशा देखने को मिलता है Yeah, I mean, ये होना ही था राइट एंड इससे बेहतर और क्या हो सकता है बट क्योंकि इस टीम में काफी इस गेम में राधा काफी सारी टीम थोड़ा सा डिफेंसिव चर्मिन इज इन द लॉबी चर्मिन व्हाई आर दे नॉट प्लेइंग सो वेल दे शुड बी प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल दे आर वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स अव्वल नजर आते हैं 420 ओपी के ऊपर हारी होना चाह रहे हैं कि ओपी एंड देखिए यहां पे चर्मिन इज वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स इन द लॉबी एंड दे गोस फॉलिंग डाउन व्हाट इज हैपनिंग टू चर्मिन यार राइट बट इज इट टू लेट Looks like it. OG के प्लेयर यहाँ पर नेट जरूर करना चाहते हैं वहीं पर अगर आप देखें माइटी बचे हुए हैं 420 को पहले यहाँ पर फिनिश जरूर किया जा सकता है well, he has been taken down. और माइटी की भी HP काफी कम बची हुई थी AKOP is just onto the other side. Ash की अगर बात करें he has been moving forward pretty good. Kemen just go out. It's with even if you blink, you miss out on the action. That's where it is. You blink and you miss and orangutan. एक और टीम यू नो नई टीम बनी है प्लेयर्स काफी पुराने हैं बट आई थिंक ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी हाल ही में बनी है राइट कंसीडरिंग किस तरीके से खेल रहे हैं प्लेयर्स आई थिंक डेफिनेटली अ टीम टू वॉच आउट फॉर इन द फ्यूचर इवेंट्स ऑफिशियल टूर्नामेंट्स भी आने वाले हैं टॉकिंग अबाउट टीम्स टू वॉच आउट फॉर डेफिनेटली वन इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन्स इनसेन दे मैनेज्ड टू वाइप आउट सेल्सियस ईस्पोर्ट्स सो सेल्सियस यू नो प्रेशर के अंडर कहीं ना कहीं क्रम्बल करते हुए नजर आए बट इंतकाम की घड़ी आ चुकी है ये जोन शिफ्ट going towards the north wow. western side and काफी सारी टीम्स को एडवांटेज मिलने वाला है but look at the cluster down on towards the main island team bye 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 मजा आएगा एक नीचे velocity की स्क्वाड अब मजा आएगा क्या यहां पे कुछ बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं look at the rotation अब मजा आएगा rotating and they've got to do early avoid those fights end circles पे फाइट लेना पड़ेगा अगर जीतना पड़ेगा at the same time enigma और टीम स्काईलाइट्स ये दोनों टीम को डील भी करना पड़ेगा बिकॉज अगर ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं अगर 5 या 6 पॉइंट पे निकाल लेते हैं आई थिंक स्काईलाइट्स या फिर एनिग्मा से में से किसी का भी हो सकता है एंड वुड लव टू सी स्काईलाइट जीत जाएगा मेरे को लगता है एस्ट्रो को ओपन में कैच आउट जरूर किया गया है याद ही उनके ऊपर ही शॉट्स देना चाहते हैं थोड़े से स्पेस डालने शुरू करते हैं तो लग रहा है स्काईलाइट जीत गए बीच में आ चुके हैं वेल स्काईलाइट्स अब यहां से निकलना ही चाहिए उनको पता है अब फाइट लेने का आई थिंक स्काईलाइट जीत जाएगा अगर अपना एक भी प्लेयर खोया तो बाद में 5वें 6वें जोन में बहुत मुश्किल हो जाएगी जब वो क्लस्टर डाउन हो जाएंगे मल्टीपल स्क्वाड से क्योंकि आपको पता है ओपन जोन्स ऐसे जगह स्काईलाइट जीत जाएगा मेरे हिसाब से की जगह मिलती है शैक्स रेयरली मिल पाते हैं हां अगर शैक्स मिल गए इट्स वेल एंड गुड अदरवाइज यू माइट हैव टू जस्ट नो स्टे ऑन द बैक लाइंस एंड डू नथिंग वेल गॉड लाइक के प्लेयर्स दे वुड स्टिल वांट टू फाइट दो फिनिशेस ऑलरेडी हैं और इनको और चाहिए भूख है गॉड लाइक के प्लेयर्स में एंड वो गॉडल भी जीत सकते हैं पूछना चाहेंगे दहाड़ना चाहेंगे जोनाथन को गॉडल भी जीत सकते हैं राइवलरी के प्लेयर्स स्पॉट किए जा चुके हैं डीपी का इस्तेमाल गॉडल ने तो एसजी का मैच लग रहा है आई थिंक ही हैज बीन स्पॉटेड ऑन एज वेल काफी करीब आ रहे हैं वेल इज दैट माइट जस्ट बी अ रॉन्ग डिसीजन बाय डेल्टा अपने आप को सही समय पर पीछे लेकर के जा चुके थे गाड़ियां पार्क हो चुकी है बट उन गाड़ियों को अब यहां पर ब्लास्ट डाउन जरूर किया जाएगा इफ नॉट प्लेयर्स क्योंकि नेट्स बैक एंड फोर्थ किए जाएंगे एंड यहाँ पे यू नो गॉड लाइक हर एक डिसीजन पहले लेने से पहले दो बार सोचेगी राइट क्योंकि यहाँ पे गॉड लाइक कैजुअलिटीज अफोर्ड कर भी नहीं सकते एंड देखिए यहाँ पे उनका स्प्रेड अगर जोनाथन को गलती से भी कोई बाहर की टीम पकड़ लेती क्योंकि मैपफीट पे मैं देख पा रहा हूँ टीम एनिग्मा इज स्ट्राइकिंग इन क्लोज एंड दूर दराने से अगर ये स्मोक्स को स्पॉट आउट कर लेंगे ये जो बिछौना बिखेर दिया गया एंड जोनाथन अगर अकेले यहाँ पे पकड़े दिए जा चुके हैं देन ही इज गोना बी इन अ होल वर्ल्ड ऑफ ट्रबल एंड जिस तरीके से ये माहौल बनता जा रहा है इंटेंसिटी is on a whole different level over here intense games guys intense fucking games baat kare agar to wo ab dheere dheere piche ki taraf ko move down karne ki shuruaat ho chuki hai wahi par tsm ke player aquanox spray acha tha and damage dono players ko diya gaya hai dusri side se jonathan unki side se bhi are dono hacker ek do log ko marenge piche ki taraf ko rehna padega zone dono hacker maar rahe dekho to koi dikkat nahi hone wali hai yahi par zone ke around I'm surprised is tarike se teams ko zone pakadne ki koshish kar rahe hain jab hum circle dikhaya jayega tab बात करेंगे बट सेंसे डेल्टा पीजी को यहां पर नॉक करते हैं जो पहले टीएसएम और गॉडल जिनको तंग कर रही थी उनको अब एक्सो के प्लेयर्स आकर के फाइनल लॉक करने की भाई कितने टीम लड़ रहे हैं यहां पे चार टीम लड़ रहे हैं क्या यहां पे नो गॉड लाइक अभी बहुत ही क्लम्सी सिचुएशन पे थे बड़ा फाइंड सम कवर
होगा क्योंकि अब अगर मल्टीपल फाइट्स लेते हैं तो कोई ना कोई प्लेयर एक तो कैजुअलिटी बन जाएगा एंड दैट इज डेफिनेटली द फैंस वुड नॉट वांट. बट एक्सो के प्लेयर्स ने ट्रिपल स्टोरी कॉम्पाउंड ले लिया विच इज रियली गुड. इमॉर्टल को थोड़ा सा फ्लैंक एंगल्स पे रखा है बट यही बात आ जाती है अगर इमॉर्टल को यहाँ पे आइसोलेट कर दिया जाएगा सो डेविस्टेटिंग. उनके ऊपर यू नो नेडिंग भी करी जा रही है वहाँ पे कितने पॉइंट्स क्यों नहीं दिखा रहे अभी बिकॉज ही इज गॉट अ नीड सम बैकअप एंड ही नीड्स इट रियली रियली फास्ट. नीड इट बट as of now the best part about this zone shift is going to be jo ye proper ekdam se you know upar ki taraf ko circle gaya hai bahut sari teams abhi bhi niche maan rahi hai ki wahan par bhi shooting range ke niche zone jayega aise mein ekdam se severny tak ka northern area kisi ne bhi hold nahi kiya. koi team agar wahan par area hold kar le wahan se niche bhi aaram se aa sakte hain kyunki sari fight sari skirmishes just niche ke area par hone wali hai. think about the cluster that just has formed onto that area. dekhiye shooting range se upar tak koi bhi team nahi hai. some team would have contested that area and looks like Enigma is going for it, which is a very good decision. Yeah, Enigma is really going for it. निकल गए गोडेल वाले कल्टी. मैप की तरफ मैंने नजर डाली थी एंड स्काईलाइट्स गेमिंग बहुत ही लेट रोटेशन कर रहे थे सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू एंटर इन प्रीटी यू नो सारे टीम्स को पहले आगे जाने दे रहे क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मकसद है यहाँ पे चिकन डिनर नहीं है जस्ट टू गेट द टॉप 5 सर्वाइवल पॉइंट्स और उसके साथ अगर कुछ 3-4 फिनिश पॉइंट्स भी मिल गए देन दे हैव डन देयर जॉब वेल. बट कैजुअलिटीज अर्ली ऑन अफोर्ड नहीं कर सकते. ये क्या हो रहा है 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 इनकी भी फाइट शुरू होने वाली है एंड आई बिलीव यहां पे टीम DSM और वेलोसिटी के बीच में क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है वेयर क्रैटोस हैज बीन नॉक्ड आउट. आतंकी ऑफ कोर्स रिवाइव के लिए जाएंगे बट DSM स्टिल कीपिंग द प्रेशर ऑन. They definitely are VLT के players को पीछे की तरफ को खदेड़ा जा रहा है दोनों साइड से नेट्स का आदान प्रदान हो रहा है एंड ये बात हमने सैनोक में भी करी थी कि नो सारे नेट सारे स्मोक्स यहीं पर इस्तेमाल किए जा सके तो उसका उससे आपका कहीं ना कहीं यहीं पे फाइट खत्म की जा सकती है. नहीं सुपर जेट नहीं कर सकते इधर सुपर जेट फिनिश किया जरूर है VLT के प्लेयर्स. द बेस्ट पार्ट इज ये एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं यहीं पर अगर आप DSM के प्लेयर्स को देखें थोड़ा सा दूर दूर हो चुके हैं एक दूसरे के और उस चीज के हिसाब से खेलना चाहते हैं. मे बी ऑफ एंगल कवर्स देने की कोशिश इन प्लेयर्स की रह सकती है. वहीं पर VLT वेल दे आर टुगेदर दे आर स्ट्रांग एज अ टीम 4-man स्क्वाड 4 पिलर्स राइट नाउ एंड दे वुड वांट टू स्टे स्ट्रांग एंड टॉल एट दिस एरिया. यू नो एक्सो भी ऑलरेडी फाइट में आ चुके हैं एक्सो भी मार रहा है एक्सो भी जीत सकता है ना आई थिंक टॉप 5 में है ना एक्सो भी. एक्सो भी एक ऐसी टीम है अगर चिकन डिनर ले लेती तो शायद ये भी सबसे छीन के लेफ्ट फेस कैम इज लकी. चलो भाई डिफिकल्ट नाउ क्योंकि स्टार प्लेयर पॉन्क हैज बीन टेकन आउट ऑफ द गेम. झटका कहीं ना कहीं रहेगा फिर भी सेंसे एक्सो भी टॉप 5 में है ना एक्सो भी जीत सकती है ट्रिक्स अप स्लीव जिस तरीके से वो खेलते हैं देखिए रायत को फिनिश यहां पर किया जरूर गया. इमॉर्टल अपर एरिया जरूर है उनके पास लेकिन यहीं से याद ही जैसे ही उनको पता चलता है गोलियां नहीं चलने वाली वो यहां से रोड शॉट लेते हैं ट्रेसिंग द ओपोनेंट शॉट ओपियस स्पाइट जस्ट बी डेडली फॉर पियस. गलत जगह पर आए गलत जगह पर रुके गलत जगह पर उतरे सेंसे ऑन द बैक लाइन वेल इस बार इन्होंने सही डिसीजन लिया है सही समय पर कवर देने का. गॉब्लिन बचे हुए हैं एक अच्छा ऑफ एंगल एक अच्छा नॉक जाता है एंड नाउ ही विल गो फॉर द थ्रोएबल्स एंड उसके बाद मे भी यहां पर रिवाइव जरूर करना चाहे सेंसे काफी करीब है एंड वेल उनको फांप दिया खुद के मुंह पे थ्रोएबल जाता है क्रेट्स बनती है. चलो आई गेस एक्सो शायद जीत नहीं सकती गाइस सीन प्ले कमिंग अप फ्रॉम दिस टीम बट यहां पे फाइट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. DSM के प्लेस इज इन अ होल वर्ल्ड ऑफ ट्रबल बिल्कुल भी एचपी नहीं है उनके पास एंड क्रेटोस गॉडल भी जिंदा है एसजी भी जिंदा है और वो वाली टीम भी जिंदा है. यहां पे पैनिक रूम के अंदर तो है बट क्या कर चीज का गॉडल भी जिंदा है एसजी भी जिंदा है और वो वाली टीम भी जिंदा है. इंटेंस इंटेंस मैचेस आई थिंक दूसरे कंपाउंड के अंदर है एंड दिस इज वेयर वेलोसिटी दे गॉट अ गो फॉर इट बट एट द सेम टाइम निंजा और शैडो दोनों ही पीछे की तरफ से कवर फायर दे रहे सो यहां पे वेलोसिटी से परेशानियों में बट अगेन यू नो वेलोसिटी दे हैड द चांसेस बट दे समहाउ लॉस्ट इट एंड दिस इज गोना बी अ कंसोलेशन फाइट बिटवीन DSM एंड वेलोसिटी. ब्लेज की भी एचपी कम है तो वो यू नो ज्यादा ओवर एग्रेस तो नहीं करना चाहेंगे थोड़ा बच के ही खेलना चाहे मे बी थ्रोएबल्स के ऊपर. एनिग्मा भी जिंदा है क्या एनिग्मा भी जिंदा है एनिग्मा भी जिंदा है. सारे देखिए नीड्स अंदर की है जरूर जा रहे बट नोबडी इज होम आतंकी पीछे हैं क्रेटोस पीछे हैं और वो धीरे-धीरे मूव कर रहे हैं अब शायद घर नहीं जाकर के एरिया होल्ड कर सकते हैं बट टीम एक्सपार्क वेल लुक्स लाइक प्रॉब्लम्स आर कमिंग अप फॉर दिस टीम. ऑलराइट एनिग्मा गैलेक्सी गेट्स टेकन डाउन बट गॉड लाइक वेट व्हाट डिड दे जस्ट डू डिड दे जस्ट वाइप आउट टीम एक्स स्पार्क. निग्मा गैलेक्सी एक तरफ थी गॉड लाइक दूसरी तरफ थी गॉड लाइक वांट्स टू विन गॉड लाइक प्लेस टू विन गॉड लाइक लाइक्स टू विन जो भी सामने आएगा वेल क्रेज पड़ी हुई है फॉर द आंसर.
जी हाँ, ये भूखे खूंखार शेर आई थिंक सेकंड पोजीशन के साथ यू नो सैटिस्फाइड नहीं रहते कभी भी. एंड जॉनसन ने बात कर ली है वो पांचवें ट्रॉफी की, आई थिंक उसके तरफ भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. एंड टेड को भी डाउन कर लिया एंड फाइनली अब वो थोड़ा सा फ्री स्पेस निकाल रहे हैं अपने लिए. एक टीम जो बड़ी टीम थी उनको तो वाइप आउट कर दिया, साथ ही साथ टेड को भी फिनिश करना चाहेंगे. एंड कॉन लाइक जस्ट व्हेन यू नीड दिस, कल भी इसके लोगों के चुतियां मौसम के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, यू नो खेल रहे थे. प्यार में सोचा था कि होगी चैन सुकती में, उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लगे गए. लौड़े लगे गए खराब नहीं है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर आप फंसे रह गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि नेट्स बहुत सारे आते हैं. नेट चलो मैनमेड रेड जोन देखने को देखते हैं कौन जीतता है अगर आप इस जगह पर फंसे रहे. बट गॉड लाइक लुक्स लाइक दे वुड वांट दैट, वो पंजा चाहिए इन लोगों को जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं. पांच फिनिशेस आ चुके हैं और भी नंबर्स यहां पर उठाना चाहेंगे. निग्मा गैलेक्सी ने जो फाइट की शुरुआत करी थी टीम एक्सपा के अगेंस्ट, गॉड लाइक ने उसका अंत यहां पर किया निग्मा गैलेक्सी के अगेंस्ट. चलो ऑस्ट्रिया तो नहीं जा रहा मावी, इनके प्लेयर्स पीछे हाथ लगाए बैठे हैं. जो भी प्लेयर ओपन में दिखेगा उसको टेक डाउन करेंगे. दिस टाइम टीएसएम निंजा गोस डाउन बट सैगी ऑन द अदर साइड. कौन बोला बे लेफ्ट पे फेस कैम लगी है. निग्मा के प्लेयर्स पीछे वो भी तैयार है फाइट्स के लिए. यू नो शेर ने फाइनली हाथी पे अपना पंजा मार दिया और इसी के साथ गॉडलाइक ने ऑफ कोर्स इससे पहले एक्सपाक को इस गेम से बाहर तो ऐसे जीत जाएगा. यहीं पे नो गेम खत्म नहीं होता, इनको एक चिकन डिनर भी चाहिए व्हेन इट ऑल मैटर्स, क्योंकि जो बाकी टीम्स हैं दे स्टिल प्लेइंग इट आउट, स्टिल प्लेइंग फॉर ग्लोरी. एंड देखते हैं वेलोसिटी गेमिंग भी इस गेम से आठवें पायदान पे eliminate ho chuke hai. Aur Rangutan ke players they've been phenomenal this tournament, but maybe it was just not enough. But shayad ek chicken dinner ke saath they would want to have a final laugh, but probably. Right now team Enigma well they're still on top. And now Enigma or Skylights, ye dono teams abhi bhi jeevit hai. So godlike agar chicken dinner le bhi jati hai, but agar Enigma or Skylight अगर ये दोनों सर्वाइव करके तो काफी मुश्किल होगा. जोन में सिर्फ गॉडलाइक है और कोई टीम जोन में गॉडलाइक सिर्फ एक course. टीम गॉडलाइक जोन के अंदर है. आप देखिए ऊपर आपको मैप दिख रहा होगा देवियो सिस्टो, सिर्फ एक टीम जोन का एरिया होल्ड करके बैठी है, दैट इज गॉडलाइक. 24 लोग जीवित हैं, उन चार को हटा दे तो 20 लोग अभी भी हैं यहाँ पर. खैर बाकी बहुत सारी टीम्स हैं जिसमें यहाँ पर प्लेयर्स जीवित हैं. और रैंगुटन की बात करें उनके बिल्कुल पीछे एनिग्मा के प्लेयर्स बेहतरीन गेम प्ले दिखाते नजर आ रहे हैं. टीएसएम के प्लेयर्स दे आर स्टिल सर्वाइविंग इनसेन, वेल दे आर रेडी फॉर एन इनसेन फाइनल राइट टुडे डिपेंडिंग ऑन कैसे खेला जाता है. एंड देन द स्काईलाइट बहुत मुश्किल होने वाला है गॉडलाइक के लिए, क्योंकि अगर इनको ये गेम निकालना पड़ेगा दे गॉट अ प्ले आउट ऑफ देयर माइंड, क्योंकि कितनी सारी टीम्स उन पे प्रेशर करने वाली. आप देखिए टीम एनिग्मा के प्लेयर्स अभी भी चारों के चारों रंजित जीवित है. एंड इनफैक्ट स्काईलाइट्स की भी बात करें उनके भी चार प्लेयर्स अलाइव, सो दे गॉट अ मेक श्योर कि एटलीस्ट कोई एक टीएक्स जोन में होती ना, अगर जिंदा होता तो आई थिंक टीएक्स जोन में होती. उन्होंने काफी अच्छी ले रखी है. So initially थोड़ा सा fight यहाँ पे avoid करे, यहाँ पे finishes भी काफी उन्होंने अच्छी ले रखी है already. But Skylights and Enigma they camp surprises, but फिलहाल insane के यादी जो कि काफी बेहतरीन खेलते हुए नजर आए इस गेम के अंदर, थोड़ा सा और ज्यादा pressure apply कर रहे हैं. Ninja they he goes falling down, but play zone का शिकार हुए. Definitely, ये कहीं ना कहीं खराब चीज रहेगी, लेकिन उनका जो फिनिश पॉइंट है वो तो कोई ना कोई उठाना चाहेगा ही. देखिए इंपॉर्टेंट रहता है, जरूरी रहता है, एंड उसी चीज के ऊपर प्लेयर्स है. एक एक फिनिश पॉइंट मैटर करता है बिकॉज ऑफ टीएसएम भी गया. अरे ये लोग लाइव पॉइंट्स क्यों नहीं दिखा रहे बे अभी, कितना मजा आएगा देखने को भाई. हर मैच में दिखाया, यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहे, कितना इंटेंस होएगा यार. डिपेंड करता है कैसे एनिग्मा खेल पाती है या फिर they play or do they outplay. देखिए यहाँ पे परेशानियों में बस्ती हुई सैगी यहाँ पे भाई, एक दल्ला यहाँ पे बोल रहा है कि मैं दो स्ट्रीम देख रहा हूँ, लाइव ही है ना ये, लाइव नहीं है. ले बहन के लिए लाइव ही था तो यहाँ पे कंटेंशन ये चल रहा है कि एजेस की फाइट कौन जीतेगा. एंड गॉड लाइक दे गॉट टू बी पेशेंट, बट जॉनथन पॉइंट दिखाओ बे. यस डेफिनेटली मैं उसी चीज की बात करने वाला था. आप देखिए दो ग्रीन मार्कर्स दिख रहे हैं एक अलग जगह पर जोन में और दो ग्रीन मार्कर्स अलग जगह पर. गॉडलाइक के दो प्लेयर्स अलग जगह पर फाइट्स ले रहे हैं और बाकी दो प्लेयर्स दिस कहां जा रहा है जोन. इज इट इनसेन और लाइक डू दे वांट टू गो. ओहो फकिंग इंटेंस मैन. ओ बट स्टिल
मुश्किल तब भी होती है. इंटेंस गेम, इंटेंस गेम. कंटिजेंसी प्लान की बात करते हैं कि अगर जोन हमसे शिफ्ट हुआ तो अभी भी देखिए दो प्लेयर्स आर देयर इन द सर्कल, तो बाकी नियो और जोनाथन भी यहां पे क्लच गॉड और ज़ीगॉड को जॉइन अप कर जाना चाहेंगे. गुड न्यूज फॉर ऑल द गॉड लाइक फैंस कि अभी भी सारे प्लेयर्स जीवित हैं एंड वी नो व्हेन ऑल फोर प्लेयर्स आर अलाइव चिकन डिनर इज इनएविटेबल. बट एट द सेम टाइम फिर से बता दूं स्काईलाइट्स और एनिग्मा दे स्टिल द रूलर्स आउट देयर. व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम. श्योर दैट समवन टेक्स देम डाउन बट ईदर वेज योर स्काईलाइट कैन सरप्राइज अस ऑल. एनिग्मा कैन डू इट एंड एनीथिंग कैन हैपन इन दिस फाइनल बैटल. Definitely anything can happen. Enigma SG got it. अरे क्या कितना लैग हो रहा है यार स्ट्रीम, क्या हो रहा है? They might as well get a win depending on kaisa wo ye game khel pate hain. I mean is game kitna lag ho raha hai yaar. Overall standings depend karta hai. Speed normally hai. Finishes har ek team tha pati hai and well kahan par unke placement points rehti hai. Oh Godel versus SG. अब स्काईलाइट्स के ऊपर जोन के अंदर आने से रोकना चाहेंगे वो इन लड़कों को और कोशिश उसकी पूरी जोर तरीके से तैयार. स्ट्रीम अटक रहा है, मेरा पीसी अटक रहा है. आना शुरू हो चुका है. स्लो साइड पर एनिग्मा के प्लेयर्स और जोन के अंदर भी है तो उनको मुश्किल नहीं रहेगी, लेकिन वो थोड़ा लोअर एरिया यहां पर पकड़ के बैठे हुए हैं. एंड एनिग्मा you need to gift it out for Eggy, right? The birthday boy is gonna feel special agar soche yahan pe aur stream free ka inko is invite mil jata hai, is gonna feel so elated. But at the same time this is the fight that we were all waiting for. Ocean clutch god going after the players of Skyline. Guys sorry, refresh kar raha hu fatak se, pata nahi kya ho raha hai. Neeraj Chopra ek Olympian aur ek proud muscle blazer. Are Neeraj bhai protein ki zarurat ke liye bro. Three and Grand Prix ho gaya hai inko is invite mil jata hai, is gonna feel so elated. But at the same time this is the fight that we were all waiting for. Ocean clutch god going after the players of Skylines. Ek player down ho chuke hai but peeche se bhi inko satark rehna padega kyunki agar nazar hati is moment pe bhai kya game hai behanchod. Well Gambla ki HP kafi low hai aur godlike ko pata chal chuka hai ki unke peeche players aa chuke hain, inko aage ki taraf ko movement karni hi karni padegi. Zone aa raha hai aur aap zone ko apne finishes nahi dena chahoge. Insane ke players कहीं ना कहीं एनिग्मा के लिए गेम खराब कर सकते हैं. खैर एक प्लेयर को तो टेक डाउन किया जा चुका है. लुक एट डेस्ट्रो, लुक एट हिज रोटेशन, दैट्स अ बोल्ड मूव बाय द स्टार बट स्टिल इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द जोन. स्मोक्स किए जा रहे हैं. व्हाट अ गेम बॉयज. लेकिन जहां से एसजी के प्लेयर्स जा रहे पहले ओरांगुटान के प्लेयर्स फिर एनिग्मा के प्लेयर्स. बट टॉकिंग अबाउट दिस वन ओ जी नीड आता है, कमला को टेक डाउन करता है. ओ जी ने गांड मार दी और अब सोमराज के ऊपर शॉट्स किए जा रहे हैं. एनिग्मा ओ माय गॉड, एनिग्मा द प्लेयर्स हैव बीन टेकन डाउन. रेक्स अकेले प्लेयर बचे हैं दूसरी तरफ और जी ने गांड मार दी. इनसेन द टीम इज जस्ट प्लेइंग आउट ऑफ देयर माइंड्स. एक इज मूविंग फॉरवर्ड, द स्टेट इज द डूम से फॉर एसजी. लुक्स लाइक इट द प्लेयर्स आर लो बट विल इट जस्ट बी द एंडिंग टेस्ट जो काफी करीब जरूर है. लौड़े लग गए, गांड मार दी ओजी ने. ओ एक पे नॉक फिर कवर, एक पे नॉक फिर कवर. ही इज द एक्चुअल एमवीपी राइट नाउ इन दिस फाइट. एनिग्मा भी गई, कितने पॉइंट्स चाहिए अभी गॉडल को. जोड़ी जीवित है और तीन टीमें बाकी. 44 सेकंड है. कमित मोमेंट जीत गया गॉडल शायद. एस रिजन गॉड लाइक जोनाथन एंड सी गॉड. दे वांट टू मेक श्योर किसी तरीके से अपने टीममेट्स को वापस जीवित करना है. फिर से वो 2-2 स्प्लिट. अभी भी देखिए इनसेन के प्लेयर सामने, ओरांगुटान के प्लेयर भी सामने एंड इनको किसी तरीके से एक दूसरे के पास आना पड़ेगा. बट नो, न्यू हैज बीन टेकन डाउन. जीत गया गॉडल शायद, जीत गया. ऑलमोस्ट जीत गया गॉडल. जोनाथन सही टाइम पे कवर पे आ चुके हैं. भाई गॉडल कैन नॉट विन. कोशिश करेंगे दबदबा किसी तरीके से. 6 पॉइंट है चिकन लिए तो 21. दे कैन विन यार. बट नाउ इज गोना डू मोर देन दैट. सो देखिए गॉड लाइक से दूर जाती हुई बट 6 फिनिशेस. आई डोंट थिंक दिस गोना बी इनफ. दे हैव गोना डू मोर देन दिस. बट ओरांगुटान दे प्लेइंग आउट ऑफ द माइंड. नहीं जीते गॉडल. गॉडल जीत सकती है गॉडल. क्यों इसके पास जोन आ चुका है और जोन आने की बात करें टीम्स को जोन की मार पड़नी शुरू होने वाली है. और ओरांगुटान के प्लेयर्स देखिए इनसेन के पीछे आ चुके हैं. आर दे रेडी टू दे नो इट और नॉट. गॉब्लिन स्पॉट किया जा चुका है. गॉब्लिन गोस डाउन बाय बिलीव फ्रॉम द बैक लाइंस. इनसेन और ओजी की फाइट में फायदा है गॉड लाइक को. गॉड लाइक गोना एक्चुअली फील रियली हैप्पी. द प्लेयर्स आर मूविंग फॉरवर्ड. जोनाथन क्लच गॉड सी गॉड धीरे धीरे आगे की तरफ को जा रहे हैं. उनका अगला निशाना बिलीव हो सकते हैं बट बिलीव करें सी गॉड के कदमों में था. हल्का सा पीछे गया. 20 का डैमेज जीजी गॉट को यहां पर पड़ा है. एक ही और एश एक लोअर एरिया होल्ड करके बैठ चुके हैं. गॉब्लिन को फिनिश किया जाएगा. जोनाथन के द्वारा तीन फिनिशेस प्लेयर के पास आ चुके हैं. द बेस्ट इज टोटली डन. इस प्लेयर की वैसे अबे हाई किल चिकन पे भी नहीं जीत पाएगी बोल रहा हूं. गॉडन कैसे पॉसिबल है. 88 बुलेट्स ऑन द स्टार्ट मेक इट 80 बट स्टिल ही इज मेकिंग एवरी बुलेट काउंट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जोनाथन इज मेकिंग हिज एवरी नेट काउंट. ऑल दैट वाज क्लच गॉट टू बट उनकी तरफ से काफी अच्छा प्रयास यहां पर था. यादी
Jay finishes his player ke paas se, but well, say no more. There it is, Jonathan. This time he makes it count. Z-God gets taken down. OG versus Godlike. Jonathan versus Believe. जीत गया भाई गॉडल। 11 किल चिकन 26 पॉइंट हो गए। हो गया, जीत गया गॉडल। Orangutan, the boys have conquered the jungle. कौन जीता? आखिरी गेम में शानदार चिकन डिनर एंड दे नो इट, दे फील इट। कोई कैलकुलेट करके बताओ भाई। बट अंदर से वो जो खुशी है गॉड लाइक को वाइप आउट करने का, बट यू गॉट टू गिव इट टू गॉड लाइक एज़ वेल।